पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबा सिंध का शहर हैदराबाद, जिसका पुराना नाम नेरून कोट था। इसमें वाके मुखी हाउस अपनी शानो शौकत से भरपूर तर्ज़े तामीर की वजह से मशहूर है। मुखी हाउस हैदराबाद के पक्के कले और होम स्टेड हाल के बिल्कुल सामने वाके है। ये इमारत 1921 में उस वक्त की मशहूर शख्सियत जेठ आनंद मुखी ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तामीर करवाई थी, जिसे उन्होंने घर का नहीं बल्कि मुखी महल का नाम दिया था। और ये वाकई किसी महल से कम नहीं। जेठानंद मुखी की वफात के बाद उनकी बेवा और दो बेटे इस घर में मुकीम रहे, मगर 1957 में उन्हें इस महल नुमा घर को खैराबाद कहना पड़ा और ये खानदान हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान चला गया। 2008 में मुखी खानदान ने मुखी हाउस की मलकियत के दावे से इस शर्त पर आमादगी जाहिर की कि इसे महफूज करके एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। लिहाजा मुखी हाउस के तहफ्फुज, बहाली और तजीनो आराइश के बाद म्यूजियम बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर कलीम लाशारी ने ले ली। ۲۰۰۹ में सिंध हुकूमत के महकमा आसारे कदीमा ने इस घर को संभालने का फैसला किया, जिसके बाद 2013 में मुखी खानदान ने अपने कदीम घर का दौरा किया और इसे सिंध हुकूमत के हवाले करने के बाद म्यूजियम में तब्दील करने की इजाजत दी गई। चुनांचे अब इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। मुखी हाउस की तामीर को एक सदी होने को है, मगर ये घर आज भी अहले नजर को अपनी तरफ मतवज्जो करता दिखाई देता है और अपने देखने वालों को मशहूर कर देता है। ये घर दो मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है, जिसमें 12 कमरे और दो बड़े हॉल हैं। इसकी मोटी मोटी दीवारों में बेशुमार खिड़कियां और दरवाजे बनाए गए हैं, जिनमें शीशम और सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि रोशनी के मुनासिब इंतजाम के लिए बड़े बड़े रोशनदान बनाए गए हैं। खिड़कियों में रंगीन नक्शो नगार वाले शीशों का इस्तेमाल किया गया है, यानी उस दौर में जो फन तामीर के जदीद रुझानात थे उन्हें बरकरार रखते हुए इस घर को बनाया गया। मगर इस घर की खास बात यह कि इसका एक मरकजी गुंबद भी है, जो इसे दीगर इमारतों से मुमताज बनाता है। कुशादा कमरे और राहदारियां भी इस घर की जीनत में इजाफा करती हैं। इसकी तामीर में ईंट की बजाय ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। घर में मौजूद फर्नीचर को भी उसी अंदाज से रखा गया है जिस अंदाज में ये मुखी खानदान के जेरे इस्तेमाल रहा। इस घर में मुखी खानदान के उन लोगों की यादें आज भी बसी हैं, जिनमें से काफी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनका यह घर न सिर्फ उनकी एक यादगार है बल्कि अब एक तारीखी विरसा बन चुका है।
बताया जाता है कि 1931 में हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू भी यहां आए थे। बिलाशुबा मुखी हाउस का शुमार ऐसी इमारतों में होता है जिसे आने वाली नस्लें भी सराहती रहेंगी।